प्रथम तहलका न्यूज। टोहाना में सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष बने राजेंद्र ठकराल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने प्रदेश में यूनियन की भावी रणनीति से सबको अवगत करवाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर 13 सदस्य कमेटी में विभिन्न जिलों के सीनियर आढ़तियों को शामिल किया गया है और ये कमेटी प्रदेश भर में व्यापारियों के हकों में आवाज उठाने का काम करेगी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार दोबारा टैक्स लागू कर व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उनका कहना था कि प्रदेश के व्यापारी और सब्जी मंडी व्यापारियों ने कोरोना काल में खतरे से खेलकर अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार व्यापारियों के हितों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन सरकार द्वारा लागू किए गए टैक्स का पुरजोर विरोध करती है, जो कि नए अध्यादेश से सब्जी मंडी आढ़ती का वजूद खतरे में आ गया है। स्टॉक सीमा में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। इसके बारे में सचेत करने के लिए एसोसिएशन की तरफ से कमेटी प्रदेश की मंडियों का दौरा करेगी और आढ़तियों के सुझाव पर आगे की रणनीति तैयार करेगी, जिसके लिए सरकार से मांगों को मनवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा की मंडियों का दौरा करते हुए सारे जो हमारे आढ़ती साथी हैं उनका सुझाव लेंगे। जैसे पीछे आपने देखा होगा, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ 21 तारीख को 4 प्रदेशों की अनाज मंडियां बंद थी। हरियाणा की अनाज मंडी पूर्ण रूप से बंद थी, चंडीगढ़ की अनाज मंडी पूर्ण रूप से बंद थी, राजस्थान की अनाज मंडियां पूर्ण रूप से बंद थी और पंजाब की अनाज मंडियां पूर्ण रूप से बंद थी। हम भी अपने सारे साथियों को अपने साथ जोड़ के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब साथियों का सुझाव लेके, सब साथियों को अपने साथ जोड़ के एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करके पूरे हरियाणा के अंदर आज इस बात को लेके सारे आढ़तियों के अंदर रोष है। क्या रणनीति होगी? ये कि अब हम भिन्न भिन्न जिलों की सब्जी मंडियों का दौरा करके उन सब्जी मंडियों में अपने साथियों को अपने साथ जोड़ के, साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम अगली रणनीति हमारी कैसी हो उस पे हम काम करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर पर सब्जी मंडी व्यापारी परेशान है, जिसके लिए निकट भविष्य में देश के व्यापारियों की बैठक भी हरियाणा में बुलाकर आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की जा सकती है। पुरजोर विरोध करते हैं हम अपनी इस मांग को मनवाने के लिए, हर प्रकार का, चाहे वो हमें किसी भी तरह का निर्णय लेना पड़े उसमें हम साथियों का सुझाव लेके हर तरह का निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। चाहे वो बंद भी हमें करवाना पड़ा हरियाणा, तो वो सारे साथियों से विचार विमर्श के बाद होगा देश के अंदर। तो पूरे देश के व्यापारियों को जोड़ने की भी कोई प्लानिंग है आपके पास? हाँ, देखो पीछे 4 स्टेटों की अनाज मंडियां इस ऑर्डिनेंस को लेके विरोध में थी। 21 तारीख को 4 स्टेट बंद थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़। अब क्या है कि ये आग पूरे देश में, देखो इस बात को लेके व्यापारियों का वजूद खत्म हो रहा है, पूरे देश के व्यापारी एकजुट होके, तो आने वाले समय में हाँ बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। जिस मिशन को हम लेके निकले हैं, जब तक हमारा मिशन वो कामयाब नहीं होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ लगातार आढ़तियों और किसानों में रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और वहीं इस कड़ी में अब सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष बने राजेंद्र ठकराल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आढ़तियों के सुझाव पर आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।